अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की स्टार व्लॉग एंड टेक। गाइस, आज की वीडियो है डाइकन वीआरवी के कंप्लीट एरर कोड में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों के जो है एरर कोड्स जो कंप्लीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि लक्की स्टार व्लॉग एंड टेक, जो कि पहले लक्की स्टार टेक्निकल नॉलेज था, अभी मैंने इसका नाम चेंज किया है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो कंटिन्यू करते हैं और मैं आप लोगों को कंप्लीट वीआरवी एरर कोड बताता हूं डाइकन के। तो सबसे पहले आपका E0 प्रोटेक्शन डिवाइस एक्टिवेटेड, तो E0 का एरर जब आ जाए तो आपने क्या चेक करना है, आपने वी विल चेक द कंप्रेसर, फैन मोटर, रेफ्रिजरेंट प्रेशर एंड PCB। सेकंड नंबर पे आपका E1 आउटडोर PCB डिफेक्टिव, यानी आउटडोर PCB डिफेक्टिव होगा, E1 का एरर आएगा। इसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, डिफेक्टिव आउटडोर यूनिट PCB, डिफेक्ट कनेक्शन ऑफ इनसाइड आउटसाइड रिले स्विच, यानी इसके रिले स्विच के कनेक्शंस वो भी चेक कर लें और PCB भी चेक कर लें, तो मे बी PCB ख़राब होगा, इसलिए E1 का एरर आ रहा है। नेक्स्ट है E3 आपका मेल फंक्शन एक्चुएशन ऑफ हाई प्रेशर स्विच, यानी हाई प्रेशर स्विच जो है वो ख़राब हो सकता है, या आपका गैस प्रेशर ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर पर ट्रिप हो रहा है, या इसका डिफेक्ट कनेक्टर स्विच, यानी कनेक्टर स्विच भी इसका ख़राब हो सकता है, तो आपने ये तीनों चीज़ें चेक करनी है, तो E3 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है E4 मेल फंक्शन ऑफ लो प्रेशर स्विच, यानी गैस, अगर गैस का प्रेशर कम है या लो प्रेशर स्विच ख़राब है, या सेम इसका भी कनेक्टर स्विच वो ख़राब है, इस वजह से आपका E4 का एरर आएगा। नेक्स्ट है आपका E5 है आपका इन्वर्टर कंप्रेसर मोटर और ओवर हीट, तो इसका जो है आपका सॉल्यूशन है वी विल चेक इन्वर्टर कंप्रेसर एंड चेक गैस प्रेशर, मैं भी इसका जो है आपका जो है गैस प्रेशर वो ज़्यादा हो या अब कम हो, तब भी जो है आपका E5 का एरर आएगा, और इसका भी PC बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, जो कि आपने चेक करना है, डिफेक्ट कनेक्टर स्विच का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका E6 मेल फंक्शन STD कंप्रेसर मोटर ओवर करंट और लॉक, में भी आपका जो है STD कंप्रेसर मोटर ओवर करंट के वजह से या उसका राउटर लॉक होने के वजह से आपका E6 का एरर आ सकता है, तो आपने जो है इसका कंप्रेसर अगर ख़राब है तो कंप्रेसर चेंज करना है। और सेकंडली इसका जो है आप देखेंगे इसमें स्टॉप वाल होता है, मे बी ये स्टॉप वाल अगर ओपन नहीं है तब भी आपका E6 का एरर आएगा, तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट है आपका E7 है मेल फंक्शन ऑफ आउटडोर यूनिट फैन मोटर सिस्टम, मतलब आपका फैन मोटर फेलियर हो सकता है, फैन मोटर ख़राब हो सकता है, डिफेक्ट फैन मोटर कनेक्शन स्विच हो सकता है, कनेक्शन स्विच जो है वो आपका जो है वो ख़राब हो गया, डिफेक्ट फैन PCB, आपने फैन PCB वो भी चेक करना है। नेक्स्ट है आपका E9 है आपका मेल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, मतलब आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व ख़राब हो गया है तो आपका E9 का एरर आएगा, तो आपने डिफेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या है, डिफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन कॉइल, आपने एक्सपेंशन कॉइल चेंज करना है, यानी कंप्लीट एक्सपेंशन वाल्व जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व वो चेंज करना होगा, और डिफेक्ट EEV कनेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कनेक्टर स्विच जो है वो भी ख़राब हो सकता है, डिफेक्ट आउटडोर यूनिट कंट्रोल PCB। तो ये तीन चार चीज़ें जो E9 एरर आने पे आपने चेक करना है। नेक्स्ट है आपका F3
अच्छा, ये जितने भी अभी जो मैंने बताया ये आउटडोर की बता रहा हूँ, अभी आगे इंडोर के भी इसको कंटिन्यू करूँगा। टोटल आपके साथ जितने भी हैं सब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी वीडियो में शेयर कर दूँ। तो नेक्स्ट है आपका F3। F3 आपका मेल फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डिफेक्ट डिस्चार्ज पाइप सेंसर, डिफेक्ट आउटडोर कंट्रोल PCB, डिफेक्ट कनेक्टर स्विच, यानी इसका PCB भी ख़राब हो सकता है और डिफेक्ट कनेक्टर स्विच, यानी कनेक्टर स्विच भी ख़राब हो सकता है और पाइप सेंसर भी ख़राब हो सकता है। यानी पाइप सेंसर अगर ख़राब होगा तो आपका F3 का एरर आएगा। F6 आपका एबनॉर्मल हाई प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज। समटाइम क्या होता है, आप गैस ओवर चार्ज कर देते हैं, या ये कह लें कि आप हाई प्रेशर स्विच प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं F6 का एरर देती हैं। इसके लिए आपने रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज वो भी देख लेना है, डिफेक्ट आउटडोर एयर सेंसर, अपना आउटडोर एयर सेंसर वो भी देखना है, डिफेक्ट लिक्विड पाइप टेम्परेचर सेंसर, लिक्विड पाइप टेम्परेचर सेंसर वो भी देखना है, और डिफेक्ट आउटडोर PCB। ये सारी चीज़ें जो आपके F6 एरर आने पे आपने चेक करना है। नेक्स्ट है आपका H3। H3 मेल फंक्शन ऑफ हाई प्रेशर स्विच, यानी हाई प्रेशर स्विच मेल फंक्शन का एरर होगा H3 का एरर के साथ। तो इसका सॉल्यूशन है डिफेक्ट हाई प्रेशर स्विच, ब्रोकन वायर, डिफेक्ट आउटडोर यूनिट PCB, डिफेक्ट कनेक्टर स्विच, यानी ये सारी चीज़ें जो है इसकी ख़राब हो सकती हैं, इसको आपने चेक करना है। नेक्स्ट है आपका H4। H4 आपका मेल फंक्शन ऑफ लो प्रेशर स्विच LPS, यानी आपका लो प्रेशर स्विच मेल फंक्शन हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है, तो आपने क्या करना है, डिफेक्ट लो प्रेशर स्विच वो चेक कर लेना है, लो प्रेशर स्विच चेक कर लें, ब्रोकन वायर हो सकता है कहीं से डैमेज हुआ हुआ हो, डिफेक्ट आउटडोर PCB, यानी आउटडोर PCB भी चेक करना है, डिफेक्ट कनेक्टर स्विच। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने चेक करनी है। अभी जो है मैं आपके साथ कुछ इंडोर के भी शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों AC में इस तरह के एरर आते हैं। जैसे A0 का अगर एरर आ जाता है तो ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस वाज एक्टिवेटेड, ये इंडोर में आपके जो है ये एरर आएगा, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस एक्टिवेटेड का, तो आपने वो चेक करना है। नेक्स्ट है A1। अच्छा, इससे पहले वाला A0 का था, अब है A1। A1 है आपका इंडोर PCB डिफेक्टिव, ओके। A3 ड्रेन सिस्टम मेल फंक्शन, ये भी आपका इंडोर का है। A6 फैन मोटर डिफेक्टिव, अगर इंडोर का फैन मोटर डिफेक्टिव है, ख़राब हो गया, तो A6 का एरर आएगा। A7 स्विंग फ्लैप मोटर मेल फंक्शन, अगर उसका स्विंग फ्लैप मोटर यानी जो हमारा स्विंग करता है अगर ख़राब होगा तो A7 का एरर आएगा। नेक्स्ट आपका A9 आपका एक्सपेंशन वॉल मेल फंक्शन, एक्सपेंशन वॉल मेल फंक्शन का अगर एरर होगा तो A9 का एरर आएगा। AF ड्रेन मेल फंक्शन, समटाइम होता है आपका जो है ड्रेन पंप जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से आपका AF का एरर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो गया, आपने उसको प्रॉपर चेक करना है, मे बी ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गया है, इस वजह से भी होता है। इसी तरह आपका AH आपका फिल्टर डस्ट, जो आप फिल्टर आपका ब्लॉक हो जाएगा तो AH का एरर आएगा, ठीक है। इसके साथ है आगे C1 है आपका ट्रांसमिशन मेल फंक्शन बिटवीन मेन PCB एंड सब PCB, यानी कि मेल फंक्शन जो है ट्रांसमिशन मेन PCB और सब PCB के दरमियान मेल फंक्शन होएगा तो C1 का एरर आएगा। C4 हीट एक्सचेंजर थर्मिस्टर मेल फंक्शन, ये आपका जो है आपका ये भी इंडोर का, ये लिक्विड लाइन
के साइड से ये आपका एरर होता है। तो आपका सम टाइम होता है हीट एक्सचेंजर थर्मिस्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से C4 का एरर आएगा। C5 हीट एयर थर्मिस्टर मेल पंचन, ये भी इंडोर का है। C9 सेक्शन एयर थर्मिस्टर मेल पंचन, CA डिस्चार्ज एयर थर्मिस्टर मेल पंचन। नेक्स्ट है आपका CE आपका है मूवमेंट डिटेक्टर और फ्लो टेम्परेचर सेंसर मेल पंचन में भी आपका जो है फ्लो टेम्परेचर सेंसर जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, इंडोर में जो लगा हुआ होता है वो आपका जो है काम नहीं करेगा तो CE का एरर आएगा। CJ आपका है यूज़र इंटरफेस थर्मीटर मेल पंचन, यानी कि आपका जो है ये कह लें कि यूज़र इंटरफेस थर्मिस्टर जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, जिसलिए आपका CJ का एरर आएगा। नेक्स्ट है आपका E2 आपका एक करंट लीकेज डिटेक्ट वॉज एक्टिवेटेड, यानी अगर कहीं से करंट लीक हो रहा है या ये कह लें कि सप्लाई सही नहीं आ रही है, जिसके वजह से जो है आपका E2 का एरर आएगा। अच्छा, अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये आउटडोर का है। ये आपका F4 जो है ये आपका एबनॉर्मल सेक्शन टम्परेचर, यानी कि आपका जो सेक्शन टम्परेचर जैसे मैंने अभी आपको F3 का भी बताया था, F3 का मैंने आपको बताया था कि डिफेक्टिव डिस्चार्ज पाइप सेंसर डिफेक्ट आउटडोर कंट्रोल PCB, यानी कि ये डिस्चार्ज के लिए F3 का है और F4 जो है आपका ये सेक्शन का है, ठीक है। और H7 आपका फैन मोटर ट्रॉबल, यानी अगर फैन मोटर आपका सही काम नहीं कर रहा है आउटडोर का तो ये आपका H7 का एरर आएगा। H9 एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर मेल पंचन, अगर एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है तो आपका H9 का एरर आएगा। J1 प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव, J2 करंट सेंसर डिफेक्टिव, J3 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव, J4 हीट एक्सचेंजर गैस टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव, J5 सेक्शन टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव, J6 डीआइसिंग टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव, J7 लिक्विड टेम्परेचर सेंसर मेल फंक्शन, J8 लिक्विड कॉइल टेम्परेचर सेंसर मेल फंक्शन, J9 गैस टेम्परेचर सेंसर आफ्टर सब कॉइल, यानी कि J9 जो है आपका आफ्टर सब कॉइल में एक सेंसर लगा हुआ होता है उसका J9 का एरर आएगा। JA आपका है हाई प्रेशर मेल फंक्शन, यानी हाई प्रेशर स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा है, सेम जो अभी मैंने आपको पीछे बताया लास्ट उसका सेम है, बट ये JA का भी एरर आता है। JC लो प्रेशर सेंसर मेल फंक्शन, ये जो एरर जितने भी हैं ये इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर AC में आपको मिलेंगे, ये आपके कंप्लीट मैंने आपको डिटेल आपके सामने रख दिए। L1 इन्वर्टर PCB अबनॉर्मल, L4 फिंस टेम्परेचर सेंसर अबनॉर्मल, जो फिंस में हमारा एक सेंसर लगा हुआ होता है उसका अगर सेंसर ख़राब है तो आपका L4 का एरर आएगा। L5 इन्वर्टर PCB फॉल्टी, L8 कंप्रेसर ओवर करंट डिटेक्टेड, L9 कंप्रेसर लॉक, यानी कंप्रेसर लॉक हो गया नॉट स्टार्ट हो रहा है, मतलब किसी वजह से मतलब लॉक हो गया राउटर जाम हो गया, तो आपका L9 का एरर आएगा। और LC आपका ट्रांसमिशन आउटडोर यूनिट इन्वर्टर आपका ट्रांसमिशन फॉल्ट, यानी LC इसका एरर आएगा तो आपका जो ट्रांसमिशन आउटडोर यूनिट इन्वर्टर ट्रांसमिशन फॉल्ट, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा इस वजह से LC का एरर आएगा। P1 इन्वर्टर
अनबैलेंस्ड, यानी आपका जो है कंप्रेसर सही काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका P1 का एरर आएगा। सही है। P2 ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड वोल्टेज, P4 पिन टेम्परेचर मेल फंक्शन, P8 P9 PE P2, यानी ये जो है आपका P2 हो गया, PE हो गया, P9 हो गया या P8 हो गया, या आपका ऑटो चार्ज ऑपरेशन से रिलेटेड जो है ये आपका उसमें आपको दिखेगा। बाकी PJ कैपेसिटी सेटिंग मेल फंक्शन, UO एबनॉर्मल लो प्रेशर ड्रॉप फॉल्ट एक्सपेंशन वॉल, U1 रिवर्स पावर सप्लाई मेल फंक्शन, U2 इन्वर्टर वोल्टेज पावर शॉर्टेज। ये बेसिकली इन्वर्टर नहीं है, इन वोल्टेज है, यानी कि जो पावर हमारा आ रहा है U2 का एरर उसमें आएगा। अगर हमारा इन सप्लाई पावर सप्लाई सही नहीं है तो आपका जो है U2 का एरर आएगा। U3 सिस्टम टेस्ट रन नॉट येट, ओके, अगर सिस्टम सही नहीं चल रहा है तो U3 का एरर आएगा। U4 फॉल्टी वायरिंग का आएगा, इंडोर और आउटडोर साइड दोनों साइड से। U5 एबनॉर्मल यूज़र इंटरफेस इंडोर कम्युनिकेशन। U7 आपका फॉल्टी वायरिंग टू Q1 Q2, यानी कि अगर Q1 2 में अगर कोई वायरिंग रॉन्ग है तो आपका U7 का एरर आएगा। U8 एबनॉर्मल मेन सब यूज़र इंटरफेस कम्युनिकेशन एरर आएगा। U7 सिस्टम मिसमैच, यानी सॉरी U9 आपका सिस्टम मिसमैच का एरर आएगा, ओके, आपने उसको चेक कर लेना है। UA कनेक्शन मेल फंक्शन, तो ये सारे इसके जो एरर कोड से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और यही आपके डेकन VRV के इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर AC के एरर कोड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डिटेल जो आप लोगों के साथ चैट की सूरत में भी किसी दिन शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग जो है उसको जो है मैं अपने किसी लिंक के थ्रू आपको शेयर करूँगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और एरर कोड के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।